लोगों ने गड़बड़ी भी करने की कोशिश करी, कई जगह शिकायतें भी आई, झगड़े भी हुए। मैं कई जगह साथियों को समझा के भी आया हूँ, ये लोकतंत्र के उत्सव में कोई खलल कोई नहीं डाले और पुलिस प्रशासन स्थानीय प्रशासन उसमें पुख्ता इंतजाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अब तो लोग ये कह रहे हैं आधा घंटा रह गया जीतन में, विरोधी बढ़ गए भीतर में, आधा घंटा रह गया, अभी आधे घंटे बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आ, 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 आप जीत का दावा कर रहे हैं तो आप मुकाबला किसके साथ मान रहे, किसके साथ मुकाबला? ये सब पीछे पीछे बहुत पीछे हैं, कोई कहीं है किसी बूथ पे, कोई कहीं है कांग्रेस, सब जगह है, सब जगह यत्र वत्र सब रत्र मामला। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जीतते हैं तो इस जीत का श्रेय किसे जाएगा? इसका श्रेय जींद की जनता को जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को जाएगा, नेताओं की एकजुटता को जाएगा, और भाई इस निकम्बी सरकार को भी जाएगा, किसने नाश कर दिया पूरे हरियाणा का, जला दिया, खराब कर दिया। हाँ, और भाई राहुल जी तो हमारे नेता हैं, नेता के लीडरशिप में लगातार फतेह फतेह हो रही है। अभी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ किया, अब यहाँ कर देंगे, और लोकसभा में 10 की 10, और फिर विधानसभा में भी।